हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 7 चल रहा था आपका और इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे, कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके थे इस चैप्टर का और कुछ पार्ट ऐसा है जो कि हमको आज डिस्कस करना है। और टॉपिक जो हमारा आज का है वो है गैसेस, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या पढ़े थे, फिर उसके बाद आज टॉपिक से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सॉलिड और लिक्विड के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। सॉलिड के बारे में आपको मैंने बताया था कि सॉलिड जो होता है उसमें इंटर मॉलिकुलर स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल जीरो होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो जगह होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल आपस में कॉम्पैक्टली चिपके हुए होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, ठीक है। और उसके साथ अगर हम लिक्विड की बात करें, ठीक है, तो लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में इंटर मॉलिकुलर स्पेस होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू सॉलिड, सॉलिड के रिस्पेक्ट में, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, लिक्विड में जो होता है इंटर मॉलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फिर से सुनना, इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर स्पेस, ठीक है। और उसके बाद बताया था मैंने कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है जितना सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है वो है क्या, गैस, ठीक है। देखते हैं गैस के बारे में, गैस में क्या कुछ खास होता है, क्या कुछ अलग होता है जो कि उसको सॉलिड से अलग बनाता है और लिक्विड से अलग बनाता है, जो क्या कहलाता है, वो गैस कहला जाता है। देखो उसमें क्या लिखा है, मॉलिक्यूल्स विद नॉन इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, जो गैसेस होंगे, ठीक है, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, लार्ज डिस्टेंस, लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा ही पाया जाएगा, किसमें, गैसेस में। तो अगर ऐसा पूछ लिया जाए उस एग्जाम में कि पार्टिकल्स एंड द मॉलिक्यूल्स शोइंग लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है कि हम किसकी बात की जा रही है, क्या चीज हमसे पूछा जा रहा है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा गैसेस के बारे में बताया जा रहा है। डायरेक्ट गैस का नाम नहीं दिया गया, डेफिनेशन से गैस के बारे में बताया गया कि इनके बीच में क्या होता है, लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सिंपल सी बात है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा तभी तो दो मॉलिक्यूल्स आपस से बहुत दूर रहेंगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर रहेंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से खींचेंगे और क्या हो जाएंगे, एकदम पास में आके एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, इससे मतलब ये रूप से प्रूफ होता है कि इस गैसेस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम होगा तभी तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे सिचुएटेड है, बहुत ज्यादा दूरी पे स्थित है। ऐसा ही होने की वजह से ही तो कहा गया है कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो कि है बहुत ज्यादा है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज अ लार्ज इन गैसेस मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो ये दो चीज क्लियर हो गया, मॉलिक्यूल्स की लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, ठीक है। जैसा कि हम सॉलिड पढ़े थे, सॉलिड में आपने बताया था आपसे कि सॉलिड जो होता है उसके पास डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, वो हार्ड होता है, हार्ड रिजिड इन नेचर होता है, सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। लेकिन बात करेंगे जब हम लिक्विड की, तो लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता था, लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालते थे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता था, जग में डालो जग के जैसा, बोतल में डालो बोतल के जैसा, बाल्टी में डालो बाल्टी के जैसा हो जाएगा, टब में डालो टब के जैसा हो जाएगा, ग्लास में डालो ग्लास के जैसा हो जाएगा, मतलब कि आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालो उसके जैसा शेप ले लेता था। इसका क्या, उससे क्या प्रूफ होता था कि उस लिक्विड का कोई खास शेप नहीं होता था। जैसे बात करेंगे आपको एग्जाम्पल के लिए, डस्टर, डस्टर इज अ सॉलिड, डस्टर का एक शेप है ना, डस्टर इसी शेप का होगा, लेकिन जैसे उसी बात करेंगे जब लिक्विड की, तो लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, जग में डालो जग का जैसा जैसा हो जाएगा, जिसमें डालो जिस कंटेनर में डालो वैसा हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बात करेंगे गैसेस की, तो गैसेस का भी वही हाल है, गैस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, गैस को आप कहीं भर दो बैलून में, भर दो बैलून में भरा जाएगा, आप बोतल में भर दो गैस को बोतल में गैस भर जाएगा, साइकिल का टायर में भर दो साइकिल के टायर में गैस भर जाएगा, ठीक है। किसी हवा बल्कि किसी रूम में अगर गैस पैक कर दो रूम में गैस पैक हो जाएगा, मतलब इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है। लाइक लिक्विड, लिक्विड का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है। आगे एग्जांपल, जैसे कि कौन कौन से ऐसे मतलब गैसेस हैं जो कि
कुछ कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट रहते हैं जो गैस कहलाते हैं। एग्जांपल जाना जरूरी है, तो एग्जांपल हो गया कार्बन, कार्बन गैस होता है, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से आप अच्छे अच्छे तरह से आपको बाकी फॉर्म में ऑक्सीजन पहले से भी आपको पता होगा ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन एक गैस जो कि क्या करता है, ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन अंदर लेता है और उसको यूज करता है ब्रीदिंग के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान। अगर नहीं ऑक्सीजन लेगा अगर ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या कर जाएगा, डेथ कर जाएगा। तो ह्यूमन से आप तो बहुत पहले से क्या है, बड़ी चीज है अच्छे से। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको अच्छे से पता है कि आप ऑक्सीजन ले रहा है, ह्यूमन बींग उसको यूज करता है, तो क्या यूज करता है, क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और कमाल की बात यह है कि यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पौधे लेते हैं फिर वो हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते, तो हम पौधे का काम कर रहे हैं और पौधे हमारा भी काम कर पूरा कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने लिखा है कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हट किया जैसे से हट के टॉपिक है, ठीक है, इसलिए भी मैंने लिख दिया इसमें। व्हाट इज द बॉन्ड ऑफ द स्टेट ऑफ मैन, वाटर की एक खास बात क्या है कि वाटर जो होता है वो तीनों स्टेट ऑफ मैटर में पाया जाता है। जैसे वाटर जो होता है वो गैस भी बन सकता है, वाटर जो होता है वो सॉलिड भी बन सकता है, वाटर ऑलरेडी या लिक्विड फेज में होता ही है। तो वाटर जो होता है वो तीनों फेज में पाया जाता है, कौन कौन से फेज में पाया जाएगा, सॉलिड फेज में, लिक्विड फेज में, गैस फेज में, तीन तो फेज ही होता है। तो वाटर के पास एक क्वालिटी होता है, वाटर के पास एक खासियत होता है, क्या होता है, वाटर जो होता है वो तीनों फेज में पाया जाता है। अब कैसे तीनों फेज में पाया जाता है ये थोड़ा सा हम आपको बता दें, ठीक है। ये देखो आपको यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि आइस, सबसे पहले आइस का एग्जांपल लेते हैं, बर्फ, बर्फ को आपने क्या किया, मेल्ट किया, बर्फ को मेल्ट किया, मेल्ट मतलब बर्फ को टेम्परेचर दिया, ठीक है, टेम्परेचर दिया अगर बर्फ को, तो बर्फ क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा, बर्फ मेल्ट होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वाटर को आपने क्या किया, फिर से गर्मी दिया, फिर से टेम्परेचर दिया, तो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, नदी वदी देखना कुछ दिन के बाद सूख जाता है, ठीक है, एक साल बाद या डेढ़ साल बाद या छह महीने सात महीने बाद पानी भरा हुआ, पानी भरा हुआ है तो नदी सूख जाता है। तो नदी सूखता कैसे, इवेपोरेशन प्रोसेस तो ही होता है, उसमें टेम्परेचर सूरज की रोशनी पड़ती है उसमें, क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होकर आसमान में चला जाता है भाप करके, ठीक है। या फिर आप अपना घर में नोटिस करना, मम्मी अगर पानी वानी उबाली तो देखना कि पानी के ऊपर ना पानी वाला बर्तन अगर पानी रखा हुआ नीचे गैस दे रहे हैं उसको, स्पेस होगा वो
सॉलिड से ज्यादा होगा और वेपर गैस से कम होगा, ठीक है। लेकिन वही वाटर जब आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो जीरो हो जाता होगा, ठीक। अगर वही वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। एक इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें केवल क्या चेंजिंग देखने को मिल रहा है, इसमें केवल इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस का चेंजिंग देखने को मिल रहा है कि सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नहीं है, लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है लेकिन सॉलिड से ज्यादा है और वेपर में सबसे ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है। तो तुम ये मत समझना कि मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाता है, नहीं, मॉलिक्यूल्स वही रहता है, मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो वाटर का मॉलिक्यूल्स रहता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स मतलब जो रहता है, मतलब जिस मॉलिक्यूल से वाटर बना हुआ होता है मिलकर, वो वही रहता है, वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। केवल क्या चेंज नहीं आता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस चेंज आता है। आपके बुक में एक चीज लिखा हुआ है कि देयर इज नो चेंज इन मॉलिक्यूल्स, देयर इज ओनली चेंज इन इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सही बात है ना, लिक्विड का इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ गैसेस, लेकिन ज्यादा रहेगा उसका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये सारी बातें गैसेस के बारे में थी। मैं आपको थोड़ा एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखाना है आपके बुक में दिया हुआ है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, तो कल आते हैं तो कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।